All are we are learning about few block elements in class 12. That is unit 7. And in few block elements, all are we are learning group 16. Elements. It is also called as 6A subgroup. In such topic today, we will talk about simple oxide. सिंपल ऑक्साइड्स क्या हैं और उनके बारे में हम आपको डिस्कशन बताते हैं। आप सभी बच्चों को पिछले क्लासेस में ये बताया जा चुका है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इन जनरल इट इज कॉल्ड दैट मेटल ऑक्साइड सच एज सोडियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक कंसेप्ट। व्हेन दे आर ट्रीटेड विद एक्वस मीडिया आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एक्वस मीडिया दैट इज वाटर वेपर, they form corresponding bases according given reaction. But it is not applicable that always metal oxide act as a base. हमें नहीं कह सकते कि हमेशा एक जनरल फार्मूला हो गया कि अगर मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा। ये कंसेप्ट है, ऐसा नहीं आपको पालना चाहिए। जैसे क्रोमियम के ऑक्साइड की बात करें, कुछ हायर ऑक्साइड्स जो हैं, हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स दे एक्ट एज एसिड्स आल्सो। एंड मेटल ऑक्साइड में एक्सप्रेस वो द करेक्टर सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज मेटल ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बोथ। वेन इट इज ट्रीटेड विद NaOH salt sodium meta aluminate, sodium meta aluminate salt is obtained Na2ClO2 and H2O. salt plus water आप जानते हैं कि बेस एंड प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये कॉमन सा कंसेप्ट है। इसका सेंस हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज एसिड, इट बिहेव्स लाइक एसिड बिकॉज व्हेन इट इज ट्रीटेड विद बेस साल्ट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज ऑब्टेन्ड। When it is treated with acid, such as HCl, then also give rise a common salt, aluminium chloride, also expressed as Al2Cl6. And water molecules. That means aluminium oxide act as base.
इट शोज दैट मेटल ऑक्साइड एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस बोथ सेम मेटल ऑक्साइड एंड इट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक नेचर बिकॉज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड So it is called as amphoteric nature. Amphoteric means dual behavior. तो आपका ये कंसेप्ट जो है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर उसको आप देख रहे हैं कि ये तो आपका जो कंसेप्ट था वो रिजिड नहीं होता इट वेरीज अकॉर्डिंग सिचुएशन मैग्नीज डाइऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड वैनेडियम पेंटाऑक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड डिस्क्रोमेट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्सेट्रा act as acid or acidic in nature. हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं हम उन टॉपिकों को आज उधेड़ रहे हैं जो कि आपको 10th क्लास में एक यूनिट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वहां पर आपके दिमाग में फीड हुआ होगा वहाँ शॉर्ट में बताया गया था कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर हम आज उसी कंसेप्ट को उखाड़ करके और फेंक दे रहे हैं हमने उखाड़ कर फेंक रहे हैं ये कंसेप्ट पहले से ही जो लोग जानते हैं लेकिन अगर हमें क्लास 10th में पढ़ाते हुए बच्चों को सब पूरा डिस्कशन करने लगेंगे तो हमारे बच्चे जो क्लास 10th के हैं वो ना तो क्लास 10th में जितना सीखना चाहिए काम की वही सीख पाएंगे और ना यही सीख पाएंगे तो ऐसे कंडीशन में उनको छोटी सी बात बताकर छोड़ दी जाती है लेकिन आप वहाँ से हट करके अब अपने डिटेल नॉलेज को अपनी नॉलेज को ब्रॉड कर रहे हैं आप वहीं पर रिजिड नहीं रह जाते इसीलिए छोटा बच्चा और बड़े बच्चे का डिफरेंस निकाला जाता है कि आप बड़े हो गए Now you are in class 12th and going to be a doctor or engineer after few time. After few months. So it is necessary that always you should attempt about all the questions and be serious about all the points. Try to understand that a single straight line is not applicable in science. There are large number of branches. You have already got that base metal oxides it is a general concept that metal oxides are basic in as I have already explained you in first our previous example sodium oxide and calcium oxide magnesium oxide etc. But then you are getting another behavior of metal oxide like aluminium oxide aluminium is also a metal it shows amphoteric nature that is acidic as well as yes. basic both and if you are moving few more of metal oxide like manganese oxide, chromium oxide, vanadium pentoxide, etc. Then you will find that they are acidic in nature. आपका जो concept था कि metal oxide basic होते हैं वो पूरा concept आज अधूरा हो गया ये पता लग गया कि आपके वो पहले उतना ही केवल जानना आपका incomplete knowledge था concept clear हो रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है समझ में आ रही बात Are you paying attention? Yes, sir.
अब हम बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट जो हमारा था, हमारे यहाँ ये चर्चा मेटल ऑक्साइड पर ही थी। कुछ मेटल के कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं जो ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और ना ही बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। आप जानते हैं कि ऑक्साइड सिक्स प्लस, एक मिनट देखें, उन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ऑक्साइड जिनका बिहेवियर ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, उन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले तो इन जनरल आपने बताया है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। वो कंसेप्ट जो था पहले तो उस पर आप क्लियर हो गए। तो भाई या तो मेटल होता है या तो नॉन मेटल होता है, तो आखिर में हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहाँ से लाए? देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी नॉन मेटल के ही ऑक्साइड हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में तो हमारा कंसेप्ट ये था कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, बट रियली ऑल ऑफ दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर करें तभी क्वेश्चन के आप आंसर देने में एलिजिबल हो पाएंगे। हम समझते हैं कि आपको पूरी बात, लगभग लगभग पूरी बात ऑक्साइड के बारे में जो डिस्कशन किया गया वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज इस कंसेप्ट को आप रिवाइज करें और रिवाइज करके एक बार दोहरा करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उस पर डिस्कशन करके हमसे और कंसेप्ट को अपने और भी क्लियर कर सकते हैं। डिस्कशन करने के लिए आप कमेंट करके, वीडियो पर कमेंट करके भी आप अपना क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पे 9919785097 पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या क्लासरूम में आप मिलते हैं तो क्लासरूम में भी आप हमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज इस ऑक्साइड की चर्चा को जो हमने किया इसको ठीक से आप दोहराएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ कोई प्रॉब्लम है तो उस पर डिस्कशन करें और फिर अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।